है और इस समय मैं खाटू की नगरी नगरी राजस्थान में। जब भी आप खाटू श्याम श्याम बाबा का दर्शनों के लिए आते हैं यहाँ पे खाटू श्याम में, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है रूम्स के लिए। तो आज हम आपको एक ऐसा धर्मशाला दिखा रहे हैं जहाँ पे रूम आपको काफ़ी चेपेस्ट मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, बिल्कुल श्याम बाबा के करीब है, मंदिर के बिल्कुल करीब है। यहाँ से मंदिर बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल साफ सुथरा है। जो आप सामने देख रहे हैं सीधे है और ये जो धर्मशाला है श्री श्याम प्रेम मंडल कलकत्ता वालों का है और यहाँ पे आप कैसे ठहर सकते हैं, कैसे रुक सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम। आइए हम आपको रूम्स दिखाते हैं, यहाँ का क्या क्या सुविधाएं हैं। श्री श्याम प्रेम मंडल बड़ा बाजार कोलकाता का यह धर्मशाला है और ये सीधे आपको ये धर्मशाला सीधे ए यहाँ से श्याम बाबा मंदिर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से सीधे आपको तोरण द्वार दिखाई देगा, यहाँ से आपको मिलेंगे और यहीं से आप बाहर लिंगस जय श्री श्याम लिंगस के लिए भी जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा धर्मशाला है। आइए अंदर हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैनेजर रहते हैं, उनसे आप रूम बुक कर सकते हैं रूम के लिए। और सामने सबसे पहले आपको एक छोटा सा मंदिर प्रभु श्री श्याम का दिखाई देगा, आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे रूमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सिर्फ यहाँ आपको नॉन एसी रूम ही अवेलेबल होगा। इस धर्मशाला में आपको रूम काफ़ी अच्छे मिलेंगे और यहाँ पे जितने भी सारे रूम्स हैं वो सभी नॉन एसी रूम्स हैं। और जिसका प्राइस यानी रूम रेंट की बात करें यहाँ पे, तो प्रति व्यक्ति यहाँ 200 रुपये में ठहर सकता है, यानी आपको दो बेड का 400 रुपये मिलेगा। आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से ठहर सकते हैं और कामन लैट्रिन बाथरूम जो मिलेगा अटैच नहीं, बिल्कुल कामन मिलेगा और लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, अच्छे हैं। और वो भी चल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको रूम से दिखाते हैं जिस रूम में हम ठहरे हुए हैं। टाइप नहीं, ये हमारा रूम है और आप देख रहे हैं पिलो के साथ शानदार है। यहाँ पे फैन भी है, लगा हुआ है और फैन के साथ है। और इस रूम का जो रेंट है वो 400 रुपये है, यानी आप 3 से 4 लोग भी चाहें तो इस रूम में ठहर सकते हैं बिल्कुल। और साथ में शीशा भी है और एक अलमारी भी आपको मिलेगी रखने के लिए वहाँ पे, और खिड़कियाँ भी हैं, अब वहाँ से हवा आएगी। मेरे ख्याल से 400 रुपये में बहुत बेटर है यहाँ खाटू श्याम जी में रुकने के लिए, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। बाकी आपको मैं चलता हूँ यहाँ का जो कॉमन लेटरिन बाथरूम है वो दिखाता हूँ। और सारे रूम्स यहाँ के जो हैं सेम जैसे हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आपको लेटरिन कॉमन बाथरूम दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं बगल में काफ़ी संख्या में है यहाँ पे। इस धर्मशाला की खासियत यह है कि यहाँ पे बहुत बिल्कुल क्लीन है, साफ है और सुथरा है और सारे ऊपर से सेकेंड फ्लोर पे एक जैसे रूम मिलेंगे और ठंडा भी है, गर्मियों में भी आके यहाँ पे आप रह सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो बिल्कुल यहाँ पे सैलो ट्रेवल अकेले आते हैं तो भी यहाँ पे ठहर सकते हैं, आपको मिनिमम 200 रुपये लगेगा, आप आराम से ठहर सकते हैं। और डबल पर्सन आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे फैमिली के साथ रह सकते हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है और यहाँ के आसपास सारी आपको बाहर यहाँ की बाहर दुकानें मिल जाएंगी और यहाँ से आप आराम से 500 लगभग 200 मीटर की दूरी पे श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तो माहौल काफ़ी अच्छा है और मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप रूम ले सकते हैं। और मित्र से जानना चाहेंगे कैसा रहा रूम? रूम तो आप साथ ही थे, बढ़िया था, अच्छा था। क्या बात है, फैसिलिटी अच्छी है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे साफ सुथरा है, रखने लायक है, मतलब घर जैसी फीलिंग आ रही थी। यहाँ का माहौल बहुत ही शानदार है, फीलिंग ऐसा लगा। कम बजट में आप अच्छी जगह रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कूलर नहीं है, एसी नहीं है, लेकिन फिर भी पंखे के नॉर्मल टेम्परेचर पे पंखे की हवा अच्छी आ रही थी, जिससे हम लोग रात को आसानी से बहुत अच्छी नींद आई।
कंफर्ट है, बढ़िया है। बिल्कुल, आप यहाँ पे आके ठहरिए, रुक सकते हैं। सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ से भी आपको इस धर्मशाला का लोकेशन दिखा देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, शानदार है यहाँ पे। और ऊपर भी रूम्स वैसे ही हैं जैसे नीचे हैं, और काफ़ी बहुत बड़ा यह धर्मशाला है। सबसे खासियत इसकी बिल्कुल क्लीन है, साफ है, आप यहाँ पे ठहर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।